हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइब्रोमायल्जिया के बारे में। फाइब्रोमायल्जिया जिसके अंदर की पेशेंट को पूरे शरीर में दर्द होता है, दर्द के साथ साथ उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है, उसके साथ उस पेशेंट को कोई भी चीज़ ध्यान में रखने में या फिर मेमोराइज़ करने में परेशानी होती है, उस पेशेंट को नींद ठीक से नहीं आती और बार बार उस पेशेंट के मूड में चेंजेस होते रहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कि फाइब्रोमायल्जिया के पेशेंट में देखे जाते हैं। फाइब्रोमायल्जिया के अंदर पेशेंट के जो पेन के स्टिमुलाई होते हैं या फिर पेन की जो सेंसेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ करके या फिर एम्पलीफाई होकर ब्रेन के पास जाते हैं। इसकी वजह से उस पेशेंट को जितना दर्द महसूस होना चाहिए उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो आप बात करते हैं कि फाइब्रोमायल्जिया होने के कारण क्या क्या होते हैं इसके बारे में। इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो होती है फैमिली हिस्ट्री या फिर जीन्स। किसी भी व्यक्ति के फैमिली हिस्ट्री में अगर इससे पहले किसी को फाइब्रोमायल्जिया हो चुका है या फिर फाइब्रोमायल्जिया है तो उस व्यक्ति को आगे जा करके फाइब्रोमायल्जिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ फीमेल पेशेंट्स में मेल पेशेंट से ज़्यादा चांसेस होते हैं फाइब्रोमायल्जिया होने के। इसी के साथ कोई व्यक्ति अगर फिजिकल इनएक्टिव है या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है, इसके साथ साथ उस पेशेंट को अगर कोई फिजिकल या फिर इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म से है तो उस पेशेंट के अंदर भी इस तरह से फाइब्रोमायल्जिया के लक्षण देखे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस होना या फिर किसी भी व्यक्ति को कोई ट्रॉमा या फिर किसी मेजर एक्सीडेंट के बाद जो स्ट्रेस होती है तो उस तरह से स्ट्रेस होना या फिर कोई भी दिल से रिलेटेड या फिर हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी तरह की बीमारी होना, तो इन सब बातों की वजह से भी उस पेशेंट में फाइब्रोमायल्जिया की बीमारी या फिर फाइब्रोमायल्जिया के लक्षण हो सकते हैं। तो आप बात करते हैं कि फाइब्रोमायल्जिया के पेशेंट में लक्षण क्या क्या देखे जाते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि हमने कुछ देर पहले कहा कि फाइब्रोमायल्जिया के पेशेंट में सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो लक्षण दिखाई देता है वो होता है कि उस पेशेंट में पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा जो मांसपेशियाँ होती है, मांसपेशियों के अंदर उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। दर्द के साथ साथ उस पेशेंट को थकावट महसूस होने लगती है, पेशेंट को ठीक से नींद नहीं आती, आँखें सूख जाना, मूड बार बार चेंजेस होते रहना, कोई भी चीज़ याद न रख पाना, इसी के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ना कर पाना, वो पेशेंट हमेशा डिप्रेशन में रहता है या फिर किसी भी बात की ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते रहता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में हीट, कोल्ड या फिर लाइट और साउंड इन सभी बातों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिविटी पैदा हो जाना, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देना, इसके साथ साथ उस पेशेंट के हाथ पैर या फिर माउस पेशियों में नमनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होना, इस तरह के भी लक्षण हैं जो कि फाइब्रोमायल्जिया के पेशेंट में देखे जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि फाइब्रोमायल्जिया को डायग्नोस करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं इसके बारे में। तो फाइब्रोमायल्जिया को डायग्नोस करने के लिए कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होती, लेकिन फाइब्रोमायल्जिया के लक्षण जिस भी किसी अदर रीज़न से या फिर फाइब्रोमायल्जिया के जो लक्षण होते हैं वो जिन जिन कारणों की वजह से आ सकते हैं उन सभी कारणों को रूल आउट करने के लिए जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा सकते हैं वो सभी टेस्ट इस बीमारी के अंदर किए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो पेशेंट का ठीक से फिजिकली एग्जामिनेशन करना, उसके बाद पेशेंट के प्रॉपर जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी या फिर उनका ड्यूरेशन इसके बारे में उस पेशेंट से जानकारी लेना, पेशेंट की ठीक से हिस्ट्री लेना, ये सब बातें करनी ज़रूरी होती है। इसके बाद उस पेशेंट के कुछ पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं जिसके अंदर की CBC टेस्ट या फिर रूमाटॉइड आर्थराइटिस की टेस्ट करना या फिर यूरिक एसिड लेवल चेक करना, कैल्शियम लेवल चेक करना, विटामिन डी के लेवल चेक करना, ये सब कुछ टेस्ट है जो कि इसके अंदर किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन है उस पेशेंट में तो उन सभी टेस्ट को भी इसके साथ साथ किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि फाइब्रोमायल्जिया की ट्रीटमेंट क्या होती है या फिर फाइब्रोमायल्जिया को किस तरह से ट्रीट किया जाता है इसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो फाइब्रोमायल्जिया के जो लक्षण होते हैं उनको कम करना, वो पेशेंट को आराम देना, इसके लिए जो भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन दिए जा सकते हैं वो इस कंडीशन में दिए जाते हैं, जैसे कि पेशेंट को कुछ एनाल्जेसिक या फिर NSAIDs मतलब कि नॉन स्टेरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होते हैं वो दिए जाते हैं। इसी के साथ किसी किसी पेशेंट में एंटी डिप्रेशेंट के मेडिसिन देना भी ज़रूरी होता है। अगर पेन रिलीवर्स की बात करें तो इसके अंदर उस पेशेंट को ट्रामेडॉल या फिर डाइक्लोफेनाक, पैरासिटामॉल, पायरोक्सिकैम इस तरह की मेडिसिन दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट को कुछ मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं, जैसे डिप्रेशेंट मेडिसिन के साथ साथ उस पेशेंट को एंग्जोलाइटिक विद एंटी डिप्रेशेंट इस तरह की मेडिसिन दी जाती है। इसके अंदर उस पेशेंट को इसिटलोप्राम या फिर उसके साथ साथ क्लोनाजेपाम इस तरह की मेडिसिन दे सकते हैं। और तीन पर्टिकुलर ऐसे ड्रग्स हैं जो कि फाइब्रोमायल्जिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए अप्रूव किए गए हैं। तो इन तीन ड्रग्स के अंदर जो सबसे पहला ड्रग है वो है प्रीगैबलिन, दूसरा जो ड्रग है वो है ड्यूलोक्सेटिन और तीसरा जो ड्रग है वो है मिलनासिप्रान। तो ये तीन मुख्य ड्रग्स हैं जो कि अप्रूव किए गए हैं फाइब्रोमायल्जिया के ट्रीटमेंट के लिए।
इसी के साथ साथ इस तरह के फाइब्रोमायलेजिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इससे कुछ बाकी के जो भी एनएसएआईडीज होते हैं, जो भी एनाल्जेसिक होते हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को कुछ ज़रूरत के अनुसार एंटासिड्स की मेडिसिन भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ कुछ मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स या फिर कैल्शियम कैल्शियम सप्लीमेंट्स, इस तरह की मेडिसिन भी दे सकते हैं। इस तरह की फाइब्रोमायलेजिया की कंडीशन में उस पेशेंट को कुछ बाकी के अदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स भी ले सकता है वो पेशेंट, जिस तरह की मसाज लेना या फिर आयुर्वेदिक पंचकर्म लेना, इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर लेना, एक्यूपंक्चर लेना, ये सब कुछ बाकी के पैथीज के भी कुछ अदर ट्रीटमेंट्स हैं जो कि फाइब्रोमायलेजिया के पेशेंट को दिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को अपने डेली एक्टिविटीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस पेशेंट को डेली एक्सरसाइज करना है, डेली मेडिटेशन करना है, बहुत सारा पानी पीना है और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ करना है, जैसे कि मेडिटेशन कर सकता है वो पेशेंट। तो आज हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की फाइब्रोमायलजिया के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।